हेलो एवरीवन, कैसे हो लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। और आज का जो टॉपिक है वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर है, और जो लोग ट्रेड करना चाहे उसके लिए भी ये चीज एप्लीकेबल होती है। तो जनरली क्या होता है, जब भी हम स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, हमारे पास बहुत सारे फ्लैशी इंस्ट्रूमेंट्स है जिसके अंदर हम ट्रेड करते हैं, जैसे कैश मार्केट में करते हैं, फ्यूचर मार्केट में करते हैं, ऑप्शन मार्केट में ट्रेड करते हैं, इंडेक्स में डायरेक्टली ट्रेड करते हैं, कमोडिटीज में ट्रेड करते हैं, तो ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है, कोई क्रिप्टो में ट्रेड करता है। बट कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट आपको मिल जाए जिससे आपको कम वोलेटिलिटी के साथ ज्यादा रिटर्न मिले और आने वाले टाइम में आप उसमें रेगुलरली इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आपका जवाब हाँ में होना चाहिए, और लॉन्ग टर्म में आप इसमें से अच्छी वेल्थ बिल्ड कर सकते हो। यस, मैं बात कर रहा हूँ ETF की, जिसको कहते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो इंडिया में बहुत सारे ETF लिस्टेड है, अलग अलग सेक्टर के प्रिसाइजली अलग अलग ETF लिस्टेड है। तो लॉन्ग टर्म में आपको जब वेल्थ क्रिएट करनी है तो आपको इसके अंदर लॉन्ग टर्म बने रहना चाहिए, और ज्यादा वॉलेटिलिटी की चिंता किए बिना हर डाउनफॉल पे थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करना चाहिए। तो ETF क्या है? ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, और ये कंटिन्यूस लिक्विडिटी के थ्रू ट्रेड होता है। जैसे उसमें लेने बेचने में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, आज बेच रहे हो आज ही खरीद सकते हो, आज खरीद रहे हो आज ही बेच सकते हो, तो ये ट्रेडिंग के हिसाब से भी आप कर सकते हो। और इंडिया के अंदर बहुत सारे ETF लिस्टेड है, और इसका जो पहला जो ETF आया था निफ्टी ETF 2001 में आया था, ठीक है। अभी इसको जो रेगुलेट करती है वो सेबी रेगुलेट करती है, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, और लॉन्ग टर्म आप इसमें से अच्छा वेल्थ बिल्ड कर सकते हैं। US में ये चीज बहुत फेमस है, इंडिया में उतना फेमस नहीं है, बट लॉन्ग टर्म में आगे जाके लग रहा है मुझे धीरे धीरे ये चीज फेमस हो जाएगी। तो आपको इसको वेल्थ बनाने के लिए एक्यूमुलेट करना चाहिए हर डाउनफॉल पे। और एक चीज है कि अगर आपने इसके अंदर इन्वेस्ट किया है तो आपको बाय डिफॉल्ट अच्छा रिटर्न कैसे मिलता है बताता हूँ। मान लो आपको सरकारी कंपनीज पसंद आ रही है, तो CPSE ETF है जिसने स्टैगरिंग 70-80% रिटर्न डिलीवर किया है। फिर अपना PSU बैंकिंग स्टॉक्स जिसने अच्छे रिटर्न डिलीवर किए। तो अगर आपने इसका ETF बाय किया होता, जो PSU बैंकिंग स्टॉक्स है उसका जो बंच है उसने 60-70% रिटर्न डिलीवर किया है। इसी तरीके से Nifty 50 जिसने 22% का रिटर्न डिलीवर किया है, 23% का रिटर्न डिलीवर किया है। फिर Nifty Next 50 है, उसने भी 22-21% का रिटर्न डिलीवर किया है। तो यहाँ पे है क्या ना, आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको डायरेक्टली इंडेक्स में इन्वेस्ट करना है जो हमारा अंडरलाइन एसेट है। तो आपका अगर वो एसेट ऊपर जाएगा तो ये ETF भी ऊपर जाएगा, और एसेट नीचे जाएगा तो ये ETF भी नीचे जाएगा। तो इसके प्रॉस एंड कॉन्स में यही है कि मार्केट में वोलेटिलिटी रहती है, पर हाउ डाउनफॉल पे आप एक्यूमुलेट करोगे तो अगर लंबा होराइजन है तो आपको पैसे मिल जाएंगे। तो Nifty 50, Nifty Next 50, Nifty Bank, Nifty IT, फिर Nifty 100 ESG इंडेक्स, फिर Nifty Energy इंडेक्स, Nifty 50 ऑटो इंडेक्स, फिर अपना S&P सेंसेक्स का इंडेक्स आता है, उसके अंदर भी आप ETF के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हो। तो बहुत सारे ETF हैं यहाँ पे, जिस भी सेक्टर में आपको इन्वेस्ट करना है उसका प्रीसाइज आप ETF बाय कर लो और लॉन्ग टर्म बने रहो। मैं रिकमेंड करूंगा आपको कुछ कुछ ऐसे ETF जिसने बहुत ही स्टैगरिंग रिटर्न डिलीवर किया है, जैसे PSU बैंक 20 है उसने अच्छा रिटर्न डिलीवर किया है, फिर CPSE ETF है उसने अच्छा रिटर्न डिलीवर किया है, Nifty 50 ETF उसने 22-23% जो अच्छा रिटर्न ही है, 18% के ऊपर कोई भी रिटर्न अच्छा ही होता है, सेंसेक्स का ETF उसने भी अच्छा रिटर्न डिलीवर किया है, फिर निफ्टी फार्मा ETF उसने भी बहुत अच्छा रिटर्न डिलीवर किया है। तो प्रिसाइजली हर इंडेक्स के अलग अलग ETF है, ऐसे US में ये चीज बहुत ही ज्यादा फेमस है और बहुत सारी कंपनीज ये कर रही है। तो किसी भी जो भी कंपनी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है इंडिया के अंदर, उस सारे एसेट मैनेजमेंट कंपनी ETF में बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। तो यहाँ पर आप एक्टिवली के साथ पैसिवली में इन्वेस्ट कर सकते हो और लॉन्ग टर्म बने रह सकते हो। और एक चीज क्या है ना, आपको इसमें ज्यादा कुछ फोकस रखना नहीं पड़ेगा, आप इसमें लॉन्ग टर्म व्यू लेके रख सकते हो और लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड कर सकते हो। और एक चीज, जिसको गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट है वो गोल्ड सिल्वर के ETF भी बाय कर सकते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही था कि जितना फोकस आपका क्लियर रहेगा उतना आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ बिल्ड कर पाओगे, जितना फोकस आपका ज्यादा रहे उतना कम वेल्थ बिल्ड कर पाओगे। समझ गए होंगे आप मैं कहने की कोशिश करके रहा हूँ कि आपको इंडेक्स ट्रैक करना है क्या कर रहा है, और आपका रिटर्न उसी हिसाब से निकल के आएगा। आप अगर लॉन्ग टर्म देखोगे तो आपको रिटर्न भी ऐसे ही मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। अगर ये चीज़ किसी को अच्छी लगी हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और आगे आने वाले इन्फॉर्मेशन के लिए अपडेट रखें।